तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं आराम से घर पहुंच चुका हूं, तो लाइव चैट अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। आ जाओ यार, अब जल्दी से। 42 मिनट्स हो गए वेट करते हुए मुझे। 42 नहीं, 30। मतलब अगर 9 से काउंट करो तो 42 गए ना। 9:42 पर अपन ने वापस से लाइव चैट शुरू करी है, तो मैं तो 9 PM से ही वेट कर रहा हूँ भाई लाइव चैट पर आने का। यार और ज्यादा मुझे फन लगता है अब जब से, मतलब पूरा फ्रेम सेट हो गया अपना। लाइव चैट का एक फिक्स फ्रेम है अपना, बढ़िया अच्छे तरीके से लाइव चैट होती है, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है, तो अब और ज्यादा मजा आ रहा है। तो इस बार का सबसे पहला हाय मुझे आया है जी के गौरव का। हाय जी के गौरव, हेलो मुकुल वर्मा, अर्जुन अर्जुन कुका सवाल, हाय अभिषेक यादव, हाय तान्या गिरी, निष्ठा जैन, हाय हाय निष्ठा जैन, हाय सादिया हक त्रिषा, हाय तृपिकाना चक्रवर्ती, तृप्तिकाना चक्रवर्ती, हेलो शशांक, हाय वाणी गौरव अगेन, तान्या गिरी बैकग्राउंड। हाँ ये बैकग्राउंड, ये तुम सबका ही बैकग्राउंड है। जितने भी आज तक मुझे गिफ्ट्स तुम सब ने दिए हैं ना, वो सारे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। सबके अलग अलग गिफ्ट्स हैं। ये सलोनी ने दिया है, ये रिया ने दिया है, मार्गी का है एक, ये प्रीति ने कब दिया है, बहुत सारी चीजें तो मुझे बाय नेम याद है कि ये किस किस ने क्या क्या दिया है। कुछ कुछ मुझे याद नहीं है कि बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। खुशबू के, तानिया के भी गिफ्ट्स हैं यहाँ पे। तानिया गिरी जो कमेंट करती हैं आपने देखा होगा, तो तान्या गिरी ये रही, इज दैट द कार्ड दैट आई हैव सेंट। हाँ तान्या, इस पूरी इसमें तुम सबके सारे गिफ्ट्स हैं। अभी मैं दिखाऊं एक बार अच्छे से, मतलब और थोड़ा क्लोजली तुम देख सकते हो। ये पूरी की पूरी ये जो रैक है, ये सारे तुम सबके गिफ्ट्स हैं। देखो ऊपर वहां पे प्रशस्ति ने दिया था मुझे, ये जो तुम्हें दिख रहा है 25 लिखा हो, वो बर्थडे पर मोहित आरके ने दिया था। तो ये सारे के सारे तुम सबके भेजे हुए सारे गिफ्ट्स ही हैं, मेरा इनमें से कुछ भी नहीं है। हाँ अब ये मेरे हैं, पहले तुम्हारे थे किसी टाइम पे, फिर तुमने मुझे दे दिए, ये ले ऐसा करके। तो ये तुम सबके गिफ्ट्स हैं, तुम सबके आइटम से जो मैंने संभाल के रखने की कोशिश करी है। तो हाँ जी, अब लाइव लाइव चैट में आप सब आ चुके हैं। और इस बार से जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि अपन एक टॉपिक लेंगे हर हफ्ते, हर हफ्ते। अरे यार ये बाल ऐसे आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है यार, इतना प्यारा फ्रेम है उसमें, बिगाड़ रहा है एकदम से, ट्विंग करके आ जाता है बाल, बताओ। तो सबको वेलकम है जी, जितने भी लोग अभी कमेंट करें, जितने भी लोग लाइव हैं, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है अपनी लाइव चैट में, लाइव विद हैशटैग लाइव विद मोहित में, जो हर संडे को 9 PM पर होती है। और जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो के थ्रू बताया था, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब से अपन हर वीक एक एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, और वो टॉपिक आप सब ही डिसाइड करेंगे, आप सब कमेंट करेंगे उस पोस्ट पे। मैं कल मंडे है तो कल मंडे को मैं एक वीडियो डालूंगा जिसपे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जिस भी टॉपिक पर अपनी संडे की, हर संडे की लाइव चैट पर आप बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, आप वो टॉपिक कमेंट कीजिए। और उन सब टॉपिक्स, उन सब कमेंट्स में से कोई एक कमेंट या एक टॉपिक मैं चूज करूंगा, और उस टॉपिक पर अपन सब लाइव चैट करेंगे हर हफ्ते। कुछ डिफरेंट टॉपिक, कुछ नया सा, कुछ कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते कुछ नई चीजों पर अपन बात करें। और आज का लाइव चैट का टॉपिक डिसाइड हुआ है, नालिनी सिंह जादौन और ममता पाटीदार ने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि मोहित, क्योंकि 21 जनवरी संडे को आपकी मॉम का बर्थडे भी है, तो क्यों ना आप अपनी मॉम के बारे में कुछ किससे शेयर करें कुछ। अरे नालिनी सिंह जादौन इज वॉचिंग, जस्ट मुझे आया अभी नोटिफिकेशन आया, नालिनी सिंह जादौन ने ये सबसे पहले कमेंट किया था इस टॉपिक के बारे में। बहुत सारे टॉपिक सब सबने दिए मुझे, लेकिन मुझे लगा कि आज क्योंकि मॉम का बर्थडे है, तो क्यों ना अपन सब अपनी मॉम ने जो 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 भी इंस्पिरेशन अपन को, जो जो इन्फ्लुएंसेस अपनी लाइफ में आए हैं अपनी अपनी मॉम की वजह से, क्यों ना उस पर आज सब अपन डिस्कशन करें। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सब मुझे बताइए कि आप सब की मॉम ने आपकी लाइफ में कैसे आपको इन्फ्लुएंस किया है, और कैसा क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने क्या क्या आपको सिखाया है जो आप सब मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। कोई भी वो किस्सा हो सकता है, कोई भी वो बात हो सकती है आपकी मॉम के बारे में। और अगर आप सब प्लीज अभी अगर आप वो शेयर कर सकते हैं हम सबके साथ में, तो मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। और कोई कमेंट आया मुझे,
संप्रिता कुलकर्णी ने, हाय मोहित, सबका दिल रखना जानते हो बट पता नहीं क्यों मेरे दिल को रख नहीं पाए आप, तोड़ दिया बड़ी बुरे तरीके से, मैं आपकी फैन हूँ और फैन का रिप्लाई नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। संप्रिता, मुझे अभी अभी आपका कमेंट दिखा तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर मुझे अभी आपका कमेंट दिखा और मैं क्या एक्चुअली जब बोलने लगता हूँ ना तो मैं कमेंट पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं बस बोलता रहता हूँ। तो अभी मैं आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, संप्रिता आपसे भी और बाकी सबसे भी, प्लीज आपकी कोई भी आप किस्सा शेयर कर सकते हैं हम सबके साथ में, और कोई भी इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं या कोई भी बात शेयर कर सकते हैं जिस जिस जब जब आपकी मॉम ने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, या आपकी मॉम से आपने जो भी सीखा है अपनी लाइफ में, आपने उन्होंने आपको क्या हेल्प किया, कोई भी एक किस्सा आप शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ का अपनी मॉम से रिलेटेड, और फिर मैं मेरी मॉम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा, जो जो मैंने उनसे सीखा है, जो जो मैंने उनसे इतना उन्होंने मुझे सिखाया है इतने टाइम से। तो जोशी लता कहना है, शी ऑलवेज गिव मी राइट एडवाइस एंड गिव मी इंस्पिरेशन, क्या बात है। पल्लवी अग्रवाल ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि फ्रीडम अपनी जिंदगी को खुलकर जियो मेरी मॉम ने कहा है, तो पल्लवी अग्रवाल की मॉम से की मॉम ने उन्हें ये सिखाया है, क्या बात है। पाप्या वैद्य कह रही, मेरी माँ मेरे कपकेक मेरी जान है। तान्या ने कहा है, मेरी मेरा भी बर्थडे आज, बिल्कुल तान्या मुझे पता है ये बात, हैप्पी बर्थडे। और बंशिया त्रिशला कह रही, मेरी बात सुनो, मेरा गिफ्ट कहाँ है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा इतने दिन से, आपको दिखेगा ये बहुत सारे गिफ्ट्स में, आपका भी गिफ्ट है त्रिशला, मुझे याद है आपने दिया था जब अपना मीट विद मीट ग्रीट एंड मीट हुआ था वहां जयपुर में। तो इतने सारे, प्रियंका पाठक करें, इतने सारे मैसेज बट एक सिंगल रिप्लाई भी नहीं करते आप, मुझे अभी आपका दिखा मैसेज। आकाश गोस्वामी कह रहे, मेरी मॉम से अभी जस्ट लड़ाई हो गई। अच्छी बात है ये भी, मतलब ज्यादा अच्छी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये भी पार्ट एंड पार्सल है इस पूरे प्रोसेस का, जिसमें आप प्यार होता है तो लड़ाई भी होती है यार, और लड़ाई होती है तो प्यार भी होता ही है। रेखा गुप्ता कह रही, माई मॉम इज माई लाइफ, प्लीज आप मॉम के लिए कोई सॉन्ग सुनाइए ना। अरे मैंने मेरी मॉम के लिए इतने सॉन्ग्स बनाए, इतनी पोइम्स बनाए, उनको तो हर बर्थडे हर मदर्स डे पे मैंने यही गिफ्ट किया है, मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोइम्स। और अरे यार ये मेरा एक तो ये अच्छे से लगा लूँ मैं यहाँ पे, तो क्या मेरे को भी दिखता रहेगा कि ये परेशान नहीं कर रहा। हाय हेलो, नहीं ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा फ्रेम में, तू आउट ऑफ फ्रेम ही रहे, शुक्रिया। तो दीपेश कह रहे हैं, ओ मामा यू माय बेबी। अच्छा मनोज ने कहा है, मनोज भारद्वाज ने कहा है कि मेरी माँ ने सिखाया कि दूसरों को सुनना सीखो, अरे वाह, दूसरों को सुनना सीखो। मैंने भी एक चीज से सीखी थी, वो मैंने मॉम से नहीं सीखी थी, लेकिन मैं एक बार वो सारेगामापा देख रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, तो विशाल ददलानी सर और शेखर सर ने ना कहा था कि सुनो तो शागिर्द की तरह और गाओ तो उस्ताद की तरह, तो ये ना ये टिप मेरे दिमाग में ऐसी रच बस गई ना कि हाँ यार सही बात है, जब भी आप किसी को सुनो तो इस तरह सुनो कि जैसे आप उसके स्टूडेंट हो, आप जितना सीख सकते हो उससे उतना सीखो, और जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप ऐसे परफॉर्म करो कि आप उस्ताद हो, आप सब फिर आप ही आप हो बस। तो ये बहुत प्यारी सी सलाह थी जो मैंने उस टाइम वो शो में ना उन्होंने जब कहा था तब सीखी थी। अविन अनंत पाई कने कह रहे, माई मम्मा हैज इन्फ्लुएंस्ड मी बाय हर हेल्पिंग नेचर, सिंप्लिसिटी, अर्ज टू गेन नॉलेज एंड मच मोर, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट, शी इज माई एवरीथिंग। दैट्स सो स्वीट अविन अनंत पाई, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू शेयर दिस दिस लवली एडवाइस फ्रॉम योर मॉम विद अस, थैंक यू सो मच अविन। वैभव कुमार कह रहे हैं, मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्यारी है, वो मेरे साथ हमेशा रहती है। तो मैं चाहता हूँ आप सब प्लीज अपनी अपनी मॉम से आपने जो भी कुछ सीखा हो, जो भी आपने अपनी लाइफ में कुछ जो जितना भी, मतलब मैं मानता हूँ बहुत इतना बड़ी चीज है ये बोलने में कि आप शायद सिर्फ एक कमेंट में आप वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, जो भी आपने अपनी अपनी मॉम से सीखा है, कोई भी किस्सा अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपनी मॉम के साथ का, जिसकी वजह से हमको कुछ
हम सबको कुछ साथ में सीखने को मिले तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो और नालिनी सिंह जादौन कह रही है, थैंक यू मोहित, नलिनी है मेरा नाम, डियर लव यू मिस यू। मेरी मॉम गवर्नमेंट टीचर हैं और ओनली वो ही हैं जो हमारी फैमिली को हर तरह से मैनेज कर रही हैं। डियर वो बहुत सीधी, उनका कमेंट पूरा नहीं आ पाया, इतना ही आ पाया सीधी। पर मैं और जानना चाहूँगा नलिनी, आपने नलिनी आपने जो कमेंट किया अपनी मॉम के बारे में, प्लीज़। आदित्य कह रहे हैं, एक सॉन्ग आपकी ओर से सबकी माँ के लिए प्लीज़ गा दो। तो मैं पहले आप सबके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं डेफिनेटली गाना गाऊंगा, वो मैं एंड में गाने वाला हूँ। आप सबकी मॉम और मेरी मॉम के लिए एक गाना गाएंगे, अपन जरूर गाएंगे, लेकिन पहले मैं आप सबकी बातें सुनना चाहता हूँ, आप सबके किस्से सुनना चाहता हूँ, आप सबको सुनना चाहता हूँ मैं। मेरा ये इस तरह का कुछ करने का दो रीजन्स थे मेन, कि एक तो सबसे पहला कि हम हर हफ्ते कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रहे हैं, अपन हर हफ्ते कुछ नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। और दूसरा, मुझे आप सबसे सीखने को मिलेगा, आप सबको हम सबसे सीखने को मिलेगा। ये जो इतने सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो जब सब आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं, आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है नया। तो ये मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है, और साथ के साथ अपन को हर हफ्ते कोई नया टॉपिक मिल रहा है बात करने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब एकदम बिंदास होकर अपनी अपनी बातें मुझे बताएं, मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ में। तो तानिया कह रही है, मेरी मम्मी तो मेरी पहली बेस्टी है, मैं उनके साथ कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ, हमेशा वो मेरी बात सुनती हैं, और जो भी मुझे बक बक करना होता है पूरे दिन, और जब नहीं सुनती ता पापा कह रही, तुम्हें पता है जब तुमसे मिलने गई थी तब मेरी माँ ने 7-8 आवर्स बाहर वेट कर रही थी ओनली मेरे लिए। अच्छा, कृणाल पटेल कह रही है, इज योर बर्थडे टुडे? नहीं, इट्स माई मॉम्स बर्थडे टुडे। तेजल कह रही है, रिप्लाई तो दो। काजल पश्ने कह रहे हैं, हेलो, पापा के बाद मेरी मम्मी ही मेरे लिए मेरे पापा हैं, सो मेरी लाइफ मेरी मम्मी ही हैं। आई लव यू मम्मी एंड विश यू हैप्पी बर्थडे डियर आंटी जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू काजल, मेरी मॉम की तरफ से और मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से। और परी मित्तल कह रही, कभी कभी फ्यूचर बनाने के लिए मॉम से दूर रहना पड़ता है, बट माई मॉम मेंट एवरीथिंग टू मी। परी मित्तल क्या हुआ, मतलब आप पूरी बात एक्सप्लेन करो ना, मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप शेयर कर सकते हो तो। और आशीष महापंखार कह रहे हैं, मोहित जी मेरा एक्सपीरियंस था, एज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र कोकन, आई इज ऑलवेज स्पेशल फॉर मी, आई लव माई आई, आई ऑलवेज सपोर्ट मी। क्या बात है आशीष, मैं और अगर आप इसको डिटेल में आप मुझे बताएंगे, हम सबको बताएंगे, तो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया, अगर अगर शेयर कर सकते हैं तो। और बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैं सारे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। मैं अभी तक भी एंड कमेंट पे नहीं पहुंचा। नील पटेल कह रहे, मेरी मॉम हाउसवाइफ, पर वो हम सबकी बहुत 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 केयर करती हैं, सच्ची। और मॉम बोलती हैं कि भाई मैं जब मुंबई आया तब आपके साथ रुका था, तो माँ ने कहा डैश डैश डैश, फिर उनका पूरा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। और पूजा तंबोली कह रही हैं, पूजा तंबोली कह रही, मेरी अम्मा बहुत प्यारी हैं, वो अकेली ही सबको संभालती हैं, हम लोग 7 भाई बहन हैं और पापा साथ नहीं हैं, और अम्मा बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखती हैं, अम्मा ही मेरी लाइफ है। वाह पूजा, बहुत ही अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के मुझे, बहुत अच्छा। आपकी मॉम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बहुत, मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं तो यार मेरी कुछ हैसियत नहीं है उनको कहने की, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने बात शेयर करी, और आपकी मॉम आप सबका ख्याल रख रही हैं, और जल्दी आप इतने काबिल हो जाओ कि फिर आप अपनी मॉम का एकदम बढ़िया से अच्छे से ख्याल रख सको। और बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। इससे एक बात भी मतलब सामने आती है कि कहते हैं ना कि
घर में आदमी होता है वही वो ही घर का क्या ब्रेड एंड बटर होता है, वही आप पूरे घर का ध्यान रखता है, पर ऐसा नहीं है आजकल। आजकल क्या मतलब यार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसमें भी काम करने का पैशन है, जिसमें भी ये स्किल्स हैं या उसकी इच्छा है करने की, वो एक काम कर सकता है। वो एक लड़की भी अकेली अपनी पूरी फैमिली को संभाल सकती है और एक लड़का भी पूरा अकेला अपनी फैमिली को संभाल सकता है, अगर उसमें इच्छा हो, अगर उसमें ये पैशन हो करने का। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपकी मॉम इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने अकेले ही दम पे, अपने ही दम पे आपकी पूरी फैमिली को संभाल के रखा है, इतना प्यार से आप सबका ख्याल रखती हैं। तो आई एम वेरी 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 हैप्पी टू नो दिस, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बस पंकज पटीदार कह रहे, मेरी माँ ने मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, शी इज़ एवरी थिंग टू मी। क्या बात है पंकज, एंड बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के यार। वाह, मुझे भी याद है कि जब मैंने 12th कंप्लीट करी थी तो मुझे आईआईटी करने, मैं क्या था 10th में, जब मैंने 10th क्लास में मैंने जब सोचा था कि मैं म्यूज़िक लूँगा सब्जेक्ट में, 10th के बोर्ड्स के बाद में डिसाइड करते ना सब्जेक्ट लेना, तो तब मैं इतना अच्छा नहीं था खासकर म्यूज़िक में। तो मेरे जो नाना जी थे उन्होंने कहा था मुझे कि चीनू तू सिंगिंग विंगिंग तेरे बस की बात नहीं है, तू तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू इसके लिए नहीं बनाया, ज़्यादा टैलेंट नहीं है तेरे में इस चीज़ का, बहुत बेसुरा बहुत बेताला है तू। पर मैंने कहा कि यार मेरे को पसंद है गाना, मैं इसलिए गाना चाहता हूँ, मेरे को नहीं है कि मैं इसमें करियर बनाऊँ अभी, लेकिन मेरे को बहुत प्यार है इस चीज़ से, बहुत खुशी मिलती है गाना बनाने में, कंपोज करने में, लिखने में, तो मैं ये करना ज़रूर चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। तो इस प्यार के लिए मैं करता रहा करता रहा, लेकिन हाँ फिर मैंने नाना जी के कहे अनुसार मैंने 11th में म्यूज़िक सब्जेक्ट ना लेकर कुछ और लिया, मैंने साइंस मैथ्स बायो लिया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे तीनों सब्जेक्ट्स, खासकर फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी, और इन तीनों से ज़्यादा अच्छा मुझे इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर लगता था। तो मुझे बहुत 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 पसंद है ये सारे सब्जेक्ट्स। तो फिर हुआ क्या, 12th के बाद में मैंने सोचा कि यार मैं आईआईटी करना चाहता हूँ, और मैं आईआईटी करके बायोटेक इंजीनियरिंग में रिसर्च करना चाहता था। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक दिन सारी वर्ल्ड की सारी बीमारियाँ जितनी भी हैं सारी डिजीजेज मिटा दूँ बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ ऐसे इन्वेंशन करके। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आईआईटी करूँगा। तो आईआईटी करने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी जयपुर में, बहुत एक्सपेंसिव था उसका कोचिंग का। तो मुझे याद है कि मॉम ने उस टाइम पे अपने कुछ जो उन्होंने ज्वेलरीज इकट्ठी करके रखी थी वो उन्होंने सेल आउट कर दी थी ताकि मैं वो कोर्स पढ़ सकूँ आईआईटी का। तो ये मुझे याद है, ऐसा ही कुछ आपकी मॉम ने भी शायद किया कि उन्होंने, आपने बताया कि उन्होंने आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बहुत स्ट्रगल की किया है। तो यार मॉम डैड ऐसे ही होते हैं यार, मतलब खुद का नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए, खुद को कितना भी स्ट्रगल कर लेंगे, कितनी भी चोट दे देंगे, कितना भी झेल लेंगे, पर अपने बच्चों के लिए वो दे डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर देयर किड्स। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत ही प्यारे मॉम डैड मिले, और मॉम की बर्थडे के चक्कर में हर साल ऐसा होता है कि मॉम डैड की एनिवर्सरी छूट जाती है। सबसे खूबसूरत बात मेरी लाइफ की ये भी है कि मेरी मॉम का जिस दिन बर्थडे आता है, मतलब आज 21 जनवरी को, उसी दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, वेडिंग एनिवर्सरी भी है, इसी दिन दोनों की शादी भी हुई थी। तो मॉम के बर्थडे के सेलिब्रेशन के चक्कर में ना हर बार हम सब इतने मशगूल हो जाते हैं कि पापा और मॉम की एनिवर्सरी ये भूल ही जाते हैं एक तरह से, क्योंकि पापा भी सारा फोकस पापा को ही रहता है कि मॉम की बर्थडे है, तो मॉम के लिए कुछ अच्छा सा कुछ प्लान करते हैं, केक काटते हैं, बाहर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी भी है, पर मॉम की बर्थडे इन सबको ओवरशैडो कर जाती है हर बार। तो ये बात भी है आज, तो आई एम वेरी लकी कि हम सब के पास में इतने ब्यूटीफुल पेरेंट्स हैं। और बस यार बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, मैंने इतनी लाइव चैट करी है ना इतने सालों में, पर मैं जब आपके, मैंने आज कमेंट्स पढ़े ना आपके, जो छोटे छोटे कमेंट्स थे, अपने अपने इंसिडेंसेस जो आप सबने शेयर किए, मैं मेरे को पता नहीं, शायद मुझे इतना
खुशी कब मिली हो? जब मैंने आपकी बातें कुछ पढ़ी ना, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ यार। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मतलब बहुत बहुत थैंक यू आप सबका कि आप सब ने इतनी प्यार से अपने अपने किस्से शेयर किए अपनी मॉम से रिलेटेड। और यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं कल एक पोस्ट डालूंगा जिसमें हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक की लाइव चैट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ आप सब अगर आप उस पोस्ट पे अगर आप कमेंट करेंगे कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी, आप क्या चाहते हैं किस टॉपिक पर अगले वीक डिस्कशन हो, क्या वो टॉपिक रहेगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी लाइव चैट तो अपना हर संडे होगा ही, हर वीक होगा ही होगा। अगर आपके एडवाइसेस भी देंगे तो वो एक एड ऑन होगा कि हाँ यार ठीक है, ये एडवाइस भी था अपने पास में तो अपन ये भी शायद कर सके। तो आई होप आप करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भी कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स परफेक्ट। तो आप सब ने इतने किस्से सुनाए, मैं किस्सा सुनाऊं आप सबको मेरी मॉम से रिलेटेड? ठीक है, तो मॉम से रिलेटेड क्या सुनाऊं? सॉन्ग भी होगा, सॉन्ग से सॉन्ग भी होगा। मैंने मॉम के लिए बहुत सारे सॉन्ग और पोएम्स लिखी हैं। तो मेरा कैसा था, मेरा मेरी मॉम के साथ में ना बड़ा अलग ही रिलेशन था। मैं क्या बचपन से बहुत पॉजिटिव था, तो मॉम को मैंने हमेशा साड़ी में देखा था, साड़ी पहने हुए देखा था। तो मॉम ने क्या एक बार सलवार सूट ट्राई किया और मैं छोटा सा था, 3-4 साल की, ये तो मेरी एज थी, तो मैं रोने लग गया। मेरे को अभी तक याद है, मेरे को अभी तक वो याद है, मैं कैसा गंदा सा कुछ रोया मैं, खतरनाक वाला। और मैंने मम्मी को कहा, नहीं आप मेरी मम्मी नहीं हो, आपने क्या पहन रखा है, आप वापस से वही पहनो और मेरी मम्मी बन के आओ, नहीं आप मेरी मम्मी नहीं हो। तो इस तरह का मैं बचपन से बड़ा पॉजिटिव था मम्मी को लेकर, मम्मी को, क्योंकि मैंने बचपन से हमेशा साड़ी में देखा था। और एक दिन ऐसी मम्मी ने कहा कि मैं सलवार सूट ट्राई करूंगी। अब यार 2-3 साल का बच्चा था, अब इसमें ज्यादा लॉजिक मत लगाना। मैं खुद ही लॉजिक नहीं लगा पाता, तो इसमें क्या क्या ही लॉजिक लगाओ यार, 2-3 साल का तो था मैं तो, है ना। मम्मी साड़ी पहनती थी जिंदगी भर से, मैंने उनको वही साड़ी पहनते हुए देखा था। और एक दिन वो सलवार सूट ट्राई कर कर आई सलवार सूट पहन के, तो मैंने बस उनको कह दिया, नहीं आप साड़ी पहन के आओ, आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप मेरी मम्मी बन के आओ। तो ये ऐसा कुछ अजीब सा किस्सा है अपनी लाइफ का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है मुझे। अरे रिया अग्रवाल ने एक चीज़ शेयर करी है, रिया ने कहा है मेरी मम्मी मेरी इंस्पिरेशन है, मैं अपनी मॉम की इकलौती हूँ और मम्मी आज तक छोटे बेबी की तरह ख्याल रखती हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। हाय हाय क्या बात है रिया, बहुत ही प्यारा लगा आपने ये बात शेयर करी। यार हमेशा मैं बड़ा ये सोचता हूँ कि यार इकलौता होना कैसा लगता होगा, क्योंकि मैं इमेजिन करता हूँ ना इकलौता बच्चा घर का, तो मेरे को बड़ा डर सा लगता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार इकलौता बच्चा, मतलब उसको कोई ना कोई चाहिए। जैसे मेरे तो 2 भाई बहन थे, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो मेरे को ये बड़ा लगता सोच के कि यार वो भाई साहब इकलौता बच्चा होना बड़ा स्ट्रांग स्ट्रांग, मतलब होते हैं इकलौते बच्चा होना बड़ा स्ट्रांग चीज़ है मेरे हिसाब से। तो यार तो बहुत ही अच्छा लगा आपने ये बात शेयर करी मुझे, मैं तो क्या ही बोलता हूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप सबने इतने सारे किस्से शेयर करे, मैंने भी एक छोटा सा किस्सा शेयर करा। पैम कोरोकन करी, हेलो फ्रॉम लास वेगास नेवाडा, हाय पैम, हेलो फ्रॉम मुंबई इंडिया, एंड इट्स नाइस दैट। बस अभी इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं। मेरे को क्या है कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, एंड इंग्लिश आर वेरी नाइस लैंग्वेज, वी कैन डू इट ऑल्सो, बट आई काइंड ऑफ अवॉइड इट समटाइम्स बिकॉज आई एम नॉट इन अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ नो स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम मोर इन टू हिंदी, हिंदी 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 हमारी, हिंदी हमारी प्यारी लैंग्वेज है यार, इसलिए। तो हाँ मेरी जानो मोनो, अरे यार बहुत प्यारा सा किसी ने कमेंट किया शायद, के धाकर ने कहा है मेरी मम्मी भी मेरी इंस्पिरेशन है और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं और मुझे बहुत ध्यान रखती हैं, क्या बात है। अरे पैम ने भी कहा है, हाय हाय पैम फ्रॉम लास वेगास नेवाडा, एंड हाय फ्रॉम मोहित फ्रॉम मुंबई इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया।
तो अभी अभी मेरी जाने मानो अभी टाइम है जाने का। नेक्स्ट वीक अपन फिर से मिलेंगे, लाइव चैट करेंगे, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सी कुछ बातें करेंगे। कुछ आप अपनी बातें बना, आप बताना, मैं अपनी कुछ किस्से बताऊंगा। और लाइव चैट का जो टॉपिक रहेगा वो कल एक पोस्ट आएगी, कल एक वीडियो आएगा या पोस्ट आएगी या फोटो आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन वो आएगा जरूर। उस पर आप सबको कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीक का लाइव चैट का टॉपिक क्या होना चाहिए, फिर मैं उनमें से एक टॉपिक चूज करूंगा और फिर अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। और यही चीज मैं इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट डालता हूँ। शायद हो सकता है जल्दी अपन इंस्टाग्राम पे भी लाइव, एक रेगुलर लाइव चैट अपन कर सकें कि इस हफ्ते फेसबुक पे लाइव चैट, नेक्स्ट वीक इंस्टाग्राम पे लाइव चैट। तो क्या है, दोनों तरफ अच्छा रहेगा, इस तरह से अपन दोनों तरफ लाइव चैट कर पाएंगे। बस तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं। कल एक वीडियो आने वाला है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसपे अपन लाइव चैट का क्या होगा, अगली लाइव चैट का क्या टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो आप सबको कमेंट करना है। आप सब डिसाइड करेंगे, आप सब कमेंट करेंगे और फिर मैं चूज करूंगा उन सब में से। तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीक्स लाइव चैट। इस वीक के लाइव चैट का क्रेडिट जाता है नालिनी सिंह जादौन और ममता पाटीदार को। नेक्स्ट वीक लाइव चैट, नेक्स्ट वीक की लाइव चैट में देखते हैं किसका सजेशन सेलेक्ट होता है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई लव यू ऑल एंड आई लव यू। प्लीज टेक केयर, बाय।